लेट हो गया हम लोग को कि क्या बताऊँ। लेट तो वैसे हम लोग का रोज ही होता है क्योंकि हम लोग सोते ही 5-6 बजे सुबह में, लेकिन आज मेरा ऑफिस में बैठते ना बैठते ही एक मीटिंग था और वो काफ़ी 2 घंटे का था। तो उसके बाद हम लोग ना खाना खाए ना कुछ, चलो मेरा तो ठीक है, चाटनी भी बेचारी मेरे चक्कर में कुछ नहीं खा पाई। तो हम लोग ने कुछ मंगवाया है बाहर से, पैकेट ही इतना ब्यूटीफुल लग रहा है तो खाना कितना अच्छा होगा, चलिए देखते हैं। ये हम लोग मंगवाए, देख रहे पैकेजिंग कितना बढ़िया है। हाँ यहाँ से, अच्छा जी यहाँ से, वाओ इसकी रोटी होगा, स्पेस के साथ वाली रोटी है। और ये एक्स्ट्रा जो नाम हमने मंगवाया है ये है। और ये क्या स्वीट होगा इसमें? इसमें स्वीट्स होंगे, नहीं अलग से अचार वगैरह है। ये तो स्पून, ये होगा स्वीट। ओके कितना अच्छा दिया था ये। इसके साथ वाली प्लेटर वाली रोटी है और ये अलग से जो नान हमने बटर नान मंगवाया था, पता नहीं क्या हालत हो गई है। और ये घर पे मैंने थोड़े से राइस बनाए थे, वही मैंने फ्राई कर लिए थे कि अगर कम पड़ जाए दो लोगों के हिसाब से, क्योंकि इसमें जो भी है ना सिर्फ वेजीज वेजीज ही है, मतलब एक्स्ट्रा खाना कुछ नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये राइस भी थोड़ा सा बना लिया है। इसमें क्या क्या है देखो ना कोई। हाँ देख रहे हैं, पहले तो इसमें 2 तरह के सलाद, अचार और चटनी। ये है एक ग्रीन चटनी, पहले इसको खोलते हैं क्योंकि आपका ऑफिस भी शुरू हो जाएगा। ये एक दाल मखनी है शायद से, ये एक पता नहीं चिकन का ही कोई आइटम होगा, ठीक है। और ये है, ये भी चिकन का एक, ये कोफ्ते होंगे, ये पनीर, और ये उसके बाद यहाँ पे एक दही है, खोल देती हूँ क्योंकि खाना तो है जी अभी हम लोगों को। मैंने ना इनको ऑफिस में बैठने से पहले थोड़ा सा 2 ब्रेड में बटर लगा के दे दिया था कि भैया 2.5 घंटे चले, आप क्या बात कर रहे हो, क्या बजा सा 4:45 हो रहा है अभी घड़ी पे। ये कुछ लहसुन वगैरह की चटनी है, ये गुलाब जामुन है, ये तुम खा लेना। नहीं दोनों मिलके खाएंगे जो खाएंगे। और ये है छोले, छोले और राइस, काफी सारे आइटम है ना। आप से थाली मंगवाएंगे तो यहीं से मंगवाएंगे, ये आप हर बार बोलते हैं। और एक यहाँ पे ग्रीन चटनी भी है, ये रख दे क्या, ये यही चीज है, सेम चीज है ये देखो, ये और ये सेम है। आधे घंटे तक इसको खुला रखूंगी ताकि इसकी
अंदर जो गर्माहट है भाप है वो निकल जाए, फिर लेट लगाऊंगी और फ्रिज कर दूंगी। फ्रिज में मैंने फिलहाल इसको खोल के रखा है। और मैं आज ना लहसुन का पेस्ट नहीं बना रही हूँ, मैं वो कल बना लूंगी जो बल्क में मुझे बना के रखना था स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये जो मिक्सर है मैंने बहुत देर चलाए हैं अदरक को पेस्ट करने के लिए, तो ये गर्म हो जाता है, तो गर्म होने से इसके वायर कटने की या अंदर से जलने की प्रॉब्लम होती है। एक बार हुई थी मेरी, मैं इडली का बैटर पीस रही थी और शायद से कुछ ज्यादा ही पीस लिया था, मतलब बैटर ज्यादा नहीं पीसा था लेकिन कुछ ज्यादा देर चला लिया था, तो गर्म होते होते अंदर की वायर कट गई थी। तो मैं इसी डब्बे में थोड़ा सा अदरक लहसुन का अदरक का पेस्ट रख के इसी में लहसुन धो के डाल रही हूँ। तो अभी जो मैं चलाऊंगी बस आज की रेसिपी के लिए थोड़ा सा चला रही हूँ, बहुत गर्मी हो रही है तो इसी पे मैं लहसुन डाल के इसको चला लेती हूँ। लहसुन छिलने में मुझे लगे काफी टाइम, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑफ कैमरा इस काम को कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। गर्मी है कि कुछ एक्स्ट्रा काम करने को नहीं बनता, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा, गर्मी हो या कुछ भी हो, ऊपर से फैन भी नहीं ऑन कर सकते। तो यहाँ पे मैंने कुछ बर्तन निकाल के रखे हैं कांच के, जो जनरली मुझे नहीं चाहिए होता है क्योंकि हम और यही घर पे होते हैं, ये तभी चाहिए होता है कोई पार्टी करते हैं या मतलब किसी को बुलाते हैं, तो फिर भी खुद के लिए भी ये निकाल लिया था। फर्स्ट ऑफ हमारा जो फर्स्ट ऑफ जैन होता है बंगला का जैवली ईयर का, तो पहला वर्षक में ये सब निकाला था और ये परसों के लिए निकाला था टिप के लिए। तो अब मेरे पास से जगह नहीं है, इन्होंने ना शेल्फ नहीं दिया है, इस पे ताखा जिसको बोलते हैं वैसा नहीं दिया है, तो चीज़ें मुझे मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है स्टोर करने के लिए, तो मैं इनको वैसे ही रखना पड़ेगा जैसे ये था, मतलब डब्बे में पैक करके जैसे था वैसे ही रखना पड़ेगा। जो सिलेंडर की साइड पे जो थोड़ा सा स्पेस नहीं बच जाता है तो मैं उसी को यूटिलाइज कर लेती हूँ। देखिए ये दो है ना, ये और ये, तो इसमें तो सिलेंडर का है स्पेस, तो इसमें क्या बचेगा, इसमें कुछ रख नहीं सकते, और ये है सिर्फ एक पूरा का पूरा अलमीरा जैसा, तो उस पर अगर आप कुछ देंगे नहीं शेल्फ जैसा तो फिर तो काम नहीं हो पाएगा, तो भी चलो ठीक है मेरा एडजस्ट हो जाता है। ये मेरा हैंड, ये सिर्फ किचन का है, इसको मैं इधर रखती हूँ किनारे, तो ये मैं दिखाती हूँ कि इस पर ये सिलेंडर है ना, तो यहाँ पे मेरी चीज़ें रखी रहती हैं, ये वो, तो बहुत ही पर्सनल चीज़ें दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ जल्द से करिएगा, कम जगह पे एडजस्ट करना पड़ता। इसको भी मैं ऐसे फोल्ड करके किनारे ऐसे रखती हूँ, जब भी जरूरत होती है फट से निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें अंदर अंदर ही अच्छी लगती है, बाहर अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कप्स को हटा देती हूँ, ये वाइट वाले कप्स हटा देती हूँ क्योंकि मेरे पास चार कॉफी मग्स हैं बाहर, तो ये मेरे लैंडलॉर्ड आने वाले थे इसलिए मैंने मंगवाया था, लेकिन अब मैं डाल देती हूँ अंदर बाहर। ये सेलो का एक लिया था मॉल से, यहाँ आने के बाद लिया था क्योंकि मेरे पास जो पुराने कप्स वगैरह थे वो अब छोड़ के आए थे पुराने घर पे, इसमें कुछ क्रैक्स वगैरह भी आ गए थे क्योंकि मैंने 1.5 साल से यूज नहीं किया था, तो वो लोकल भी था, तो ये हमने सेलो का लिया है। सेलो तो मॉल से लिया था, तो कुछ ज्यादा ऑप्शन वगैरह नहीं थे वहाँ पे, तो जो भी था ले लिया थोड़ा बहुत, तो इसको मैं रख देती हूँ। इस बार जो सिलेंडर सेट किया है ना वो मैंने किया है, लाइफ में पहली बार यू नो मैंने सिलेंडर चेंज किया है, वो अचानक से खाना बनाते हुए खत्म हो गया था तो सिलेंडर चेंज किया है। अच्छा इसको मैं रख क्यों रही हूँ, क्योंकि बाकी चीजें तो इसके नीचे है, डब्बे के नीचे है ना, तो ये एक सेट है, बोल सेट है, सर्विंग सेट, तो अंदर देखो बाहर होती है तो चीजें यूज होती है, अंदर अंदर अगर डाल के रख दूंगी तो चीजें यूज भी नहीं हो पाती है, और ये सबके साथ होता होगा, सामने सामने रहता है तो अच्छा खीर खिलाना है निकल लिया, अब कभी कोई आएंगे जो कि जनरली हमारे यहाँ होता नहीं है इतना, बाहर हम लोग रहते हैं रिलेटिव में, तब भी निकालो ये करो, जगह होती तो बाहर ही ऐसे जो ड्रॉअर टाइप से नहीं होती उसको वो होता तो रख देते हम लोग खुद भी यूज कर पाते। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ये लाइजर वगैरह भी रखती हूँ, लेकिन ये साफ है ठीक है, क्योंकि मैं छोटे डब्बे में निकाल लेती हूँ या कुछ कर लेती हूँ।
और ये है वो लिक्विड जिससे मैंने वो व्हाइट वाली टी शर्ट मैंने बताया था ना, दिखाऊंगी ये उल्टा आ रहा है क्योंकि आप फ्रंट क्या रहे दिखा रहे। तो अभी इसको खींच के मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये डिनर सेट पे रखना है। तो ये सब बहुत ही भारी काम है, एक्स्ट्रा काम है जो जनरली दूसरे दिन नहीं हो पाता, तो आज मैं करूंगी इनको रखूंगी। ये है बोल्स के 6-6 का सेट होता है। काफी गर्मी लग रही है, मैं ना अभी थोड़ा सा पैन चला लेती हूँ। Thank you.